सर ठाकुर, दोस्तों आज सबसे भयंकर वाली ट्रिक जो है ना, आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे सेल करें कोई भी प्रॉपर्टी। और जैसे मैं बोलता हूँ कि 10 में से 10 बेच डालता हूँ, 8 तो 100% बेचता हूँ, तो क्या रहता है उसके पीछे? मेरे को मज़ा क्या आता है पता है, कोई फ्लैट आया, आप उन्हें दिखा दिया, अभी जैसे 1 करोड़ 15 लाख का, 1 करोड़ 10 का था, मतलब जो रियल है वो बता रहा हूँ आपको स्टोरी। तो उसने 1-10 बोला था, एक बंदे को दिखाया, उसको पसंद आया, उसने 95 का ऑफर दिया, हमने मीटिंग भी करा दी। मेरा रहता है ऑफर देके मीटिंग करा दो। पहले आदमी जो आते हैं वो रेट मेरा ठीक करके चले जाते हैं। ओनर को भी लगा ये आदमी भारी है यार, कभी भी फ्लैट देते ही ना 1-2 लोग को दिखा देता है, बाकी उतना नहीं कर पाते, तो इससे अपना नाम हो जाता है। तो मैंने मीटिंग करा दी 95 पर, वो आया 1-5, लास्ट है, उसके नीचे नहीं आऊँगा। ये थोड़ा यहाँ वहाँ घूमते रहा और देखते रहा, पर चीज़ थी उसकी, वर्थ है, मतलब 1-5 उसका बनता है। फिर और एक क्लाइंट को दिखाया, इनसे बात चल रही थी, उसने भी देखा, उसको जम गया, तो बोला भाई मेरा भी ऐसे। हमने बोला कि ठीक है, अभी दूसरे को क्या बोल, मतलब बताया कि जो भी है 95 का तो ऑफर है, उस पर तो माना नहीं है, 1-5 पे लास्ट है, वो आया हुआ है, उसको बता दिया जो है। इसने बोला मेरा 1 करोड़ का ऑफर दे डाल, उसको लगा कि ये डील तो हो जाएगी ना, मैं बढ़ूंगा ना घटूंगा, अगर ऐसा है तो 1 करोड़ बोल दो। 1 करोड़ बोल दिया, 1 करोड़ बोल दिया। फिर इसका फोन आता है कि भाई क्या हुआ उसका। तो मैं हमेशा ट्रिक जो है बता रहा हूँ, दो आदमी को लगा के रखता हूँ एक प्रॉपर्टी के पीछे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों को ही रेट बता रहा हूँ, समझो आप समझदार हो तो। ठीक है, क्या हो रहा है, अब इसने एक का ऑफर दिया, लगी पहले वाले को फोन किया मैंने जो 95 में था, देखो आपको चीज़ पसंद आई थी और क्या है, खुद को रहने के लिए चाहिए, वैसी कोई चीज़ मिलेगी नहीं, आप भी देख रहे हो, क्योंकि उसने 2-3 महीना देखा तब ये पसंद आया, चीज़ अच्छी है, तो उसको फ़ोन किया। और देखो उसका 1 का भी ऑफर आ गया, वो हाथ से निकल जाएगा। उसने बोला ऐसा है क्या, 1-1 कर डाल। जब कोई चीज़ जाने लगती है, टेक अवे जो रिवर्स अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा काम करती है। तो उसने बोला कि यार मेरा 1-1 का ऑफर दे दे, इसका ले लिया 1-1 का। लगी जो दूसरा था जिसने 1 का ऑफर दिया, भाई देख तुझे जमा था, तू देखा था, अभी लेट मत करो, आजकल में लो निकल जाएगा। वो जो बायर था 95 वाला, उसने 1-1 का ऑफर दे दिया। इसने तुरंत बोला मेरा 1-2 का दे डाल, 1-5 के नीचे ओनर आ नहीं रहा है, नहीं तो जिसका भी होता मैं तो बेच डालता, लेकिन अभी ये बोल रहा है कि मेरा 1-2 का ऑफर दे दे। उसका ऑफर लेते ही इसको फोन किया कि अरे उसका भी देखो एकदम क्लोज होने वाला है, 1-5 पे अटका था, 1-2 दे दिया। इसने बोला मेरा 1-3 का डाल, नहीं बोलता तो मैं बोलता हूँ कि देखो अभी आपकी पसंद है, 1-2 लाइक के लिए चीज़ मत छोड़ो, वो 1-2 का दिया है, 1-3 का ऑफर दे दो। देखो मैं तो एथिकल काम करूंगा, जिसने पहले टोकन दे दिया मेरा काम है, आपको अच्छा मानता हूँ इसलिए मैं बता भी रहा हूँ कि देखो ऐसा हो रहा है। फिर बाद में आप बोलोगे सनत बताना तो था, कई बार ऐसा होता है कि लोग ना ले लेते हैं तो फोन आता है यार मेरे को, बोलते हैं मैं भी कर लेता, वो टाइम पे मेरा थोड़ा बजट का था, फिर मेरा लोन वोन बढ़ा के लिया, तो ऐसा ना हुए। तो दोनों को लग रहा है मेरे लिए फेवर कर रहा है बंदा और बता रहा है कि भाई ले लो ऐसे करके। अभी जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले अगर फोन रखा तो 1-3 का, ठीक है, अब झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें चल रही है, खाली मैं क्या कह रहा हूँ, दो लोगों को लगा के रखा हूँ और ये दोनों में जैसे बिडिंग होता है ना, भाव लगा रहे हैं, 1-2 1-2 1-2, चलो 1-3 मेरा, 1-3 1-3 ये, और 1-5 तक आ जाएगा, और नहीं तो भी दोनों में से कोई ना कोई मैं क्लोज करके रहूंगा। बहुत सिंपल, अभी 1-3 और 1-5 मतलब क्या, एकदम बाएं हाथ का खेल है, अपने कुछ भी नहीं बचा है इसमें। पर अगर वो मानता भी नहीं है पार्टी, तब भी मैं खुशी खुशी, क्योंकि उसने बोला था भाई 1-5 कराएगा तो मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा कमीशन, अगर मैं थोड़ा सा कमीशन में भी ऐसा झुक गया तो वो बोलेगा ठीक है फिर 1-3 फाइनल करता हूँ, देख मैं तो इतना तुझे नहीं दूंगा, तो मैं क्यों अपना करूँ, मैं सोचूँ उसको भी 2 पैसा कमा के देंगे, उसका भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, ऐसा फायदा करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है, एक मेरा तो मतलब बातचीत चल रही है, सब फाइनल हो गया, टोकन नहीं दिया है, तब भी मैं दूसरे को, तीसरे को, चौथे को दिखाते रहता हूँ। वो बोलता है कि अभी दिखाना नहीं यार, खाली होल्ड कर, मेरे को 1 हफ्ते का टाइम दे। कितने तो भी थे ऐसे जो आए नहीं दोबारा, तो अब मेरा वो भरोसा नहीं रहा है। मैं हाँ तो बोल देता हूँ पर मेरा काम चालू रखता हूँ, उसको नहीं बोलता कि भाई मैं तो ये करने वाला हूँ। वसूल क्या है अपना, एक बार चेक ले लिया हाथ में, फिर नहीं किसी से बात करेंगे, फिर बात खत्म। उल्टा जब चेक ले लिया ना तो उल्टा किसी को बताता भी नहीं, टोकन हो गया ना तो अगर बताओगे तो और फिर गड़बड़ होगा, मार्केट में जाएगा, फिर वो ओनर को फोन जाएंगे, बायर को फोन जाएंगे, आपने महंगा ले लिया, ओनर को बोलेंगे सस्ता, काम बिगाड़ने वाले 10, फिर एकदम सुमड़ी में। उल्टा मैं बिठा के दोनों को बोलता हूँ भाई कुछ मत बताना जब तक आप शिफ्ट नहीं, ना सेल डीड होके आपका चाबी नहीं मिल जाता, दुनिया को गाते नहीं बैठना कि मैंने ले लिया, मैंने बुकिंग कर दिया, क्योंकि 1-1.5 महीने का टाइम है, 10 लोग मिलेंगे आपको ज्ञान बांटने वाले, अभी तक नहीं थे। जब आप कर देते हो ना टोकन, सेम वो ओनर को भी भड़काने के लिए कि अरे आप रुक जाते ना, मेरा तो एकदम रेडी हो गया था ऐसे। समझ गए, ट्रिक सीधा है, एक ही नहीं, 2 या 3 लोगों को एक प्रॉपर्टी के पीछे लगा दो जिनके ऑफर है, और दोनों से खेलते रहो, जो भी वो बढ़ा रहा है घट रहा है बोलना देखना। दूसरा क्या, छूटने की जो डर है ना, वो सबसे ज्यादा आदमी को खरीदने के लिए मजबूर करता है। ये कहाँ से मैंने सीखा, एक बार मैं गोप्रो का कैमरा लेने गया, मुझे यूट्यूब में सोचा बाहर का भी मैं ट्रेवलिंग का भी शूट करूंगा,
तो वहां पे ऑनलाइन ले सकता था, पर एक रहा कि पहले देख लूं, मॉल चला गया कि वहां से देख के लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखा ज्यादा प्राइस में फर्क नहीं था, हीरो करके आता है उनका कैमरा। तो मैंने क्या किया कि मैं देख ही रहा था, तब तक में एक और कपल आ गए और उन्होंने भी वही चीज मांगी। अब वो मांगी तो उसने बोला मेरे से कि सर 1 मिनट दिखा सकते हो क्या, वो भी इंटरेस्टेड है लेने में और ये एक ही पीस है मेरे पास। उसने बोला एक ही पीस है, मैंने कहा यार दिखाऊं कैसे, मैं ले रहा हूं ना, हेलो, मैं निगोशिएट वगैरह करने वाला था कि यार अभी अभी तो इसको बोलेंगे इतना कम कर उतना कम कर। तो उसने जो प्राइस बोला था मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार का था, अभी लेके भी हो गया 2-3 साल। तो उस मैंने बोला कि डिस्काउंट डिस्काउंट बोला और करते हैं फाइनल पेमेंट, बोला नहीं सर डिस्काउंट तो नहीं होगा, मेरे पास रेडी है, आप खाली बोल दो नहीं लेना है और ये खड़े हैं वो जान। और वो वाकई हिल नहीं रहे, क्योंकि वो उनके अंदर भी फियर आ गया कि छूट जाने की चीज, कि ये भाई खरीद ना ले, वो मना रहे कि यार ये ना बोल दे किसी वजह से। मैंने बोला आप तो लेके ही रहूंगा, तुम लोग वेट करते रहो, समझ रहे हो आप हमारी साइकोलॉजी ऐसी है, छूटने का डर ना बहुत आदमी के पीछे रहता है। तो ये वजह से मैं ऐसे करता हूँ कि बोलता हूँ देखो अगर नहीं किया तो वो बंदा तो अभी बढ़ रहा है, उसने तो फाइनल कर दिया, उसका लोन भी सेंक्शन है, वो करने ही वाला है, ये बोलते रहो, नहीं कि ले लो ना सर, ले लो ना प्लीज ले लो, अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये है 2 साल बेचोगे ऐसा होगा ऐसा चीज, वो बोलता ही नहीं बेचने वाला। मैं कॉम्पिटिशन लगा देता हूँ दोनों में, बोलता हूँ देखो वो ये कर रहा है, फिर इसको आता है कि यार मैं क्यों नहीं कर लूँ, मेरे वो चीज बहुत ज्यादा सेल कराती है मेरी, हर प्रॉपर्टी लगभग मैंने बेचा है। चाहिए तो मैं 10 ऐसी अपनी स्टोरी बताऊंगा जो रियल टाइम में की हुई है। पर ये वीडियो आपको कैसे लगा आप दबा के कमेंट करो, क्योंकि इतने ज्यादा हिडन सीक्रेट कोई इनसाइड की नहीं बताता, ये सीख जाओगे ना, नॉर्मल प्रॉपर्टी दिखाने का बिजनेस नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लोज होती है, क्योंकि दिखाया उखाया वो 80-90% काम है, लेकिन क्लोजिंग में ये सारी ट्रिक अगर सीख गए आप, अभी सोचो अभी समझा है ना, थोड़ा थोड़ा अप्लाई करोगे लेकिन 4-5 बार मास्टरी आ जाएगी, और एक बार टेस्ट लग गया है और ये तो काम करता है, फिर देखो, और ये कोई बुक में नहीं मिलेगा, कोई गूगल करके देख लेना ये चीजें, और ये 100% रिजल्ट ड्रिवन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।